तो क्या लगा यार, आज आपके भाई फिर से खेलने जा रहा है माइनक्राफ्ट। यार पिछला एपिसोड हमारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रेजी हुआ था यार। उसमें हमने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारा था और उन्होंने हमें भी मारा था, मगर आज हम बनाने वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्री हाउस। यार पिछली बार हम जंगल में ही सो गए थे, इसीलिए कुछ खास मजा नहीं आया और रात भर ज़ॉम्बीज़ ने बहुत ज्यादा तंग किया। तो इस बार हम बनाएंगे एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा ट्री हाउस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोक दो यार। तो चलते गेम की तरफ। तो यार गाइस पिछली बार हम इसी जंगल में सो गए थे यार और हमें बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने बहुत ही ज्यादा मारा। तो यार गाइस अभी सुबह हो चुकी है यार और जल्दी से अपना भोरिया बिस्तरा बांधते और निकलते यार एक जगह की तलाश में यार, जहाँ पे हम अपना जो एक मस्त सा ट्री हाउस है वो लगा सके यार। और वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाला है यानी अपना पूरा वर्ल्ड का शुरुआत ही इसी जगह से होएगा यार। तो जल्दी से जाता हूँ एक जगह ढूंढता हूँ। वो जगह थोड़ी प्लेन होनी चाहिए यार। ये जगह कैसी लग रही है शायद? ये थोड़ी अच्छी जगह है यार, यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी यहाँ से नज़ारा देखता हूँ यार, यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ओ गाइस यहाँ पे तो बहुत बड़ा टनल है यार, ये अपने बहुत कम आएगा बाद में। तो यार गाइस अभी हम अपना ट्री हाउस यहाँ पे लगाने वाले हैं यार। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना बेड यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अभी चलता हूँ और जल्दी से बहुत सारे वुड्स काट के लाता हूँ यार, क्योंकि वुड्स अपने लिए बहुत ही ज़्यादा काम के आने वाले। क्योंकि यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पूरा ट्री हाउस ही वुड का ही बनाना है यार। तो जल्दी से जाता हूँ और बहुत सारे वुड्स कलेक्ट करके लाता हूँ यार। आज हम बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और बड़ा सा एक ट्री हाउस बनाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। A few moments later. तो यार गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे वुड्स कलेक्ट कर लिए यार, इतने काफी होंगे हमारे ट्री हाउस को बनाने के लिए। तो अभी चलते और जल्दी से हमने ट्री हाउस की कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो साला शैतान अभी भी यहाँ पे घूम रहा है, इससे पंगा नहीं करने का है भाई अभी। तो जल्दी से चलते और अपनी जगह पे और वहां पे जल्दी से अपना जो ट्री हाउस है वो बनाना शुरू कर लेते हैं यार। तो साला ये मैंने बीच में बना दिया भाई, इस बेड को मैंने बीच में लगा दिया, इसको थोड़ा साइड पे फिट कर देते। तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं अपना ट्री हाउस। तो सबसे पहले हम बनाने वाले ट्री हाउस का बेस यार। बेस बनाने के लिए बेस तकरीबन हम बनाएंगे जी, देखते पहले हम तकरीबन 5x5 का बनाएंगे। तो यार मैंने यहाँ पे 5x5 का एक बेस बना दिया यार, और यहाँ इनके दरमियान भी हमने कुछ वुड्स को प्लेस करना यार। तो यहाँ पे भी कुछ वुड्स में फिट कर देता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पे वुड्स प्लेस कर दिए यार। तो अभी इसको जो है ना वो थोड़ा सर्कल शेप देना पड़ेगा यार, क्योंकि कोई चार कोना वैसे इस पर जचेगा नहीं यार। तो इसको गोल करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ वुड्स को बढ़ाना पड़ेगा यार। ये 5x5 का बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार। ठीक है यार, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ वुड्स कुछ बढ़ा देता हूँ यार, इसको थोड़ा सर्कल शेप देने के लिए। सही है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे भी इसी सीन को हर साइड पे कर देते यार। तो यार गाइस बेस तो अपना तैयार हो चुका है। अभी अपने ट्री हाउस को जहां पे बनाना है यार, उसके लिए मुझे एक स्टेम करनी पड़ेगी यानी एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा यार। तो उसके लिए मुझे जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक्स प्लेस करनी होंगी, वुडन ब्लॉक्स। यहाँ पे मैंने जो
अभी बेस बनाए ना यार, इसी को हम ऊपर तक ले जाने वाले। तकरीबन 4-5 ब्लॉक की हाइट देंगे हम इनको, तो जल्दी से मैं इन ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ यार। मेरे यार तो इसको हाइट दे दी यार, तकरीबन 5 ब्लॉक्स की मैंने यहाँ पे हाइट दे दी। तो अभी यहाँ पे बनेगा अपना ट्री हाउस का जो स्ट्रक्चर है ना यार, जो क्या कहते हैं यार घर, उसके लिए यहाँ पे बेस बनेगा यार। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बेस बना देता हूँ यार। यार गाइस मैंने इस पे एक और ब्लॉक ऐड कर दिया यार, इस वजह से अपना बेस जो है ना वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है यार। अभी मैं इसको थोड़ा सर्कल करने के लिए कोई मस्त सा सीन करने वाला हूँ यार, तो उसके लिए मुझे कुछ ब्लॉक्स और ऐड करने पड़ेंगे शायद से, देखते हैं यार। तो यार गाइस बेस बनाते बनाते रात हो गई यार, जल्दी जाके नीचे सो लेता हूँ यार, नहीं तो अगर ज़ोंबीस आए तो मेरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गंदी पिटाई करेंगे यार। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी है यार, मुझे बहुत डैमेज लगेगा, इसीलिए मैं कुछ ब्लॉक्स प्लेस करने वाला था। ये सीन भी नहीं हो रहा है तो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी यार, यहाँ से जम कर लेता हूँ यार, और कोई सीन भी नहीं है, जल्दी सो लेता हूँ। तो है यार डे हो गया अपना, तो जल्दी से अपना काम फिर से शुरू कर लेते यार। इसको इस बार ऊपर ही हम फिट करने वाले, जल्दी से मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी यार, जिससे हम बनाएंगे कुछ क्या कहते हैं यार डोर्स वगैरह, इसीलिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल कहाँ से मिलेगी वे, शायद यहाँ पे होगी। अभी चाहिए हमें कुछ सीढ़ियाँ और कुछ डोर्स यार, तो जल्दी से बना लेता हूँ मैं। सीढ़ियाँ बनाने के लिए हमें स्टिक चाहिए और थोड़े हमें प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे, तो ठीक है बना लिए मैंने। तो जल्दी से दरवाज़ा और स्लाइडर्स बना लेते, तो मैंने बना दिए यार। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ पे एक रास्ता बनाने वाला हूँ और यहाँ पे एक डोर फिट करने वाला हूँ यार। ताकि हमें ऊपर नीचे होने में बहुत आसानी हो यार, वरना कितनी बार हम यहाँ से गिरते रहेंगे यार। तो यार मैंने एक डोर फिट कर दिया यहाँ पे और जल्दी से अंदर चलते हैं यार। ओ गाइस मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे एक सीढ़ी भी लगानी थी, वो चलो बाहर में लगा देते हैं। अभी स्लाइडर्स लगा के यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले हैं यार, तो जल्दी से मैं स्लाइडर्स लगा देता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगा दी है यार। तो यार गाइस अभी अपनी जो सीढ़ियाँ थी वो लग चुकी है यार, अभी हम अपने ट्री हाउस का बेस तो बना लिया यार, ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने वाले, जिसको हम बनाएंगे दो चीज़ों से, पहला होएगा वुड और दूसरा होएगा लाश यार। तो चलते और कुछ सेंड जमा करते, मुझे यहाँ से सेंड दिख रही है आगे, और उसके बाद हम लीव से इसको सजाने वाले हैं, और उसके लिए हमें आयरन चाहिए, ताकि उससे हम एक चीज़ बनाएंगे, उसके ज़रिए हम लीव्स को काट सकते हैं यार। तो चलिए पहले सबसे पहले माइनिंग के लिए चलते यार और ढूंढते आयरन यार, तो जल्दी से चलते। तो मुझे चाहिए माइनिंग के लिए कुछ टूल्स यार, जैसे कि पिकेक्स वगैरह, तो मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रख देता हूँ और कुछ टूल्स बना लेता हूँ यार। तो यार जब हम यहाँ पे जगह ढूंढ रहे थे अपने ट्री हाउस को बनाने के लिए, उस वक्त मुझे यहाँ पे एक माइन दिखी थी यार, ये वाली, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये हमने बहुत काम आने वाली है, तो जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पे ओ यहाँ आगे तो एक मॉब है यार, ओ गाइस चलो एक मॉब को भी मार दिया इसने, दूसरे को मैंने मार दिया क्योंकि साले ने डैमेज दिया था। ओ यार एक और भी है, बस बस मसला नहीं यार, यहाँ तो बहुत सारे मॉब्स निकल रहे हैं यार। तो मुझे जल्दी से कुछ मशाल बनानी पड़ेंगी यार, उसके लिए मुझे कुछ कॉइल तोड़ना पड़ेगा, जल्दी से तोड़ता हूँ और कुछ मशाल्स बनाता हूँ यार। तो यार गाइस मैंने कुछ मशाले बना लिए यार, जल्दी से और थोड़े कॉइल इकट्ठा करके बहुत सारी मशाले भी बना लेते, ताकि हमें
आगे माइनिंग करने में बहुत आसानी हो यार, तो जल्दी से यार मुझे बहुत सारा कोल मिला है, तो इसको जल्दी से हम माइन करते यार। वैसे एक बात है यार, कोल हमें आगे भी चाहिए यार। हमने जो हम बनाने वाले ना ग्लासेस, उनको बनाने के लिए हमें फ्यूल के तौर पर कोल्स चाहिए होते हैं यार, इसीलिए हम यहाँ से बहुत सारे माइन करके जाने वाले, ताकि हमें फिर से आना ना पड़े यार। तो जल्दी से बहुत सारे कॉइल्स को हम माइन कर लेते हैं यार। यार साले ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया यार, ये गलत सीन कर दिया इसने। यहाँ पे भी बहुत सारा है यार, इसको भी माइन कर लेता हूँ जल्दी से। तो यार गाइस, हमने बहुत सारे कॉल्स इकट्ठा कर लिए यार, इनने काफी होंगे, इससे ज्यादा हमें जरूरत पड़े तो हम फिर से आके यहाँ से माइन कर लेंगे। और अभी कुछ टॉर्च और बनाते हैं यार, इतने काफी नहीं है अभी हमारे लिए। तो अभी मेरे टॉर्चेस तो बना लिए यार, अभी यहाँ से कुछ स्टोन्स भी माइन कर लेते हैं यार, क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं जी वुड के टूल से यार, उसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, उससे चीजें भी बहुत देर से टूटती है यार। तो जल्दी से स्टोन के कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ यार, ताकि हमें माइनिंग करने में आसानी हो। तो जल्दी से कुछ स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। और हमने अभी ग्लासेस को सैंड को ग्लासेस बनाने यार, उसके लिए भी मुझे स्टोन्स की जरूरत है, क्योंकि उनको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है फर्नास यार। तो उस फर्नास के लिए हमें चाहिए होता है स्टोन यार, तो स्टोन से हम फर्नास बनाएंगे, उसके बाद हम बनाने वाले ग्लासेस यार। तो काफी है यार इनने, तो अभी जल्दी से कुछ टूल्स बना लेते हैं यार। देख यार, इससे काम करने में मजा ही अलग आता है। अभी चलते हैं अपना रियल एम को पूरा करने, यानी हम यहाँ आए थे ढूंढने के लिए कुछ कुछ आयरन यार। तो जल्दी से चलते और आयरन ढूंढते यार। ओ गाइस, आयरन मेरे सामने ही है यार, जल्दी से इसको माइन कर लेता हूँ। कुछ और भी मिले तो अच्छा, नीचे भी है यार, तो जल्दी से इसको भी माइन कर लेता हूँ यार। मजा, इधर भी है, बहुत सारे मिल गए यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जल्दी से इनको माइन कर लेता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा मस्त सा सीन हो गया अभी अपने साथ। अभी कुछ तो हमें मिल चुके हैं, अभी और थोड़े भी हम माइन कर लेंगे यार। अभी आगे चलते यार, कुछ और भी ढूंढते, क्या मालूम यार अगर हमें ज्यादा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, आगे डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा काम में आएंगे वो। ओ यार, ये टनल तो यहां से खत्म हो गई यार, अभी इसके शायद दो पार्ट्स थे, किस साइड पे जा रहा था अभी इस टनल पे घुसते, क्या मालूम यार। यहाँ पे भी हमें कुछ आयरन मिल जाए यार, बस कोई मॉब मेरे साथ झगड़ा ना कर ले, बस अगर मुझे मार दिया तो साला मेरा पूरा जो सामान है ना वो सब गुम हो जाएगा यार। वैसे जितना मसला तो है नहीं यार। ओ, नाम लिया और हाजिर यार, सामने ही है मेरे। इनको किसी न किसी तरह फोड़ना पड़ेगा। कहाँ चले गए? हाँ तू आ, इनसे इतना डर नहीं लगता यार, क्रीपर से बहुत ज्यादा डर लगता है। चलो यार, ये फट गए, थोड़ा डैमेज भी दिया मगर इतना ज्यादा डैमेज दे नहीं पाए मेरे को, आगे और भी ना मिले बस मेरे से। शायद ये टनल भी यहाँ पे खत्म हो रही है यार, ये बहुत गलत सीन हुआ अपने साथ। अभी हमें कुछ आयरन मिल चुके हैं यार, इन्हीं से अपना काम चला लेते और निकल लेते यार जल्दी से,
सेन इकट्ठा करने। यार शायद नाइट हो चुकी है, अगर बाहर जाऊंगा तो मोब्स मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो किसी ना किसी तरह यहाँ पे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यार अभी ऊपर कहीं पे देखते, कहीं पे हमें मिले तो अच्छा था यार। ओ गाइस सेड यहाँ पे है यार, इसी को कलेक्ट कर लेते। ये मैं कहाँ पे निकल गया, मैं इस साइड को। वो अगर मैंने इसको एक ब्लॉक और तोड़ा तो ये साले पूरी पूरा जो पानी है ना वो अंदर ही आ जाएगा, इसीलिए मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। ओ गाइस ये मैं कहाँ पे निकल गया, बाहर नहीं निकलने का। अगर बाहर निकल के मैं किसी मॉब के हाथे चढ़ गया तो बहुत गलत सीन होएगा। तो अभी क्या करूँ मैं, जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ यार जिन्ने हो सके। तो अभी निकल लेते यार अपने घर की तरफ, और जल्दी से चलते और अपना काम तमाम कर लेते। ये नहीं है भैया, तो नीचे जाने का रास्ता है। हाँ ये रहा ये रहा, नाइट तो है यार मगर जल्दी से निकलना पड़ेगा। शॉर्ट हाथ में लेके जाता हूँ, और अगर सामने कोई आया तो सीधा ठोक डालता हूँ। ये रहा यार, इतना दूर था नहीं अपना ट्री हाउस, तो जल्दी से जाके सो लेते और सुबह होते ही हम निकल लेते कुछ और सेंड कलेक्ट करने यार। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, अभी मैं जल्दी से चलता हूँ। नहीं यार पहले यहाँ पे कुछ काम कर लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल जल्दी से लगा देता हूँ, जो थोड़े से मैंने आयरन जमा कर लिए थे उनको मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। यार उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक फर्नास यार, वो कहाँ है, ये रहा, दो बना लेते। चले खैर दोनों को यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेते। तो कहाँ गए वे, इतने ज्यादा तो है नहीं यार मगर खैर है। और मैंने कुछ सेंड भी लाया था उसको शीशा बनाने के लिए, यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जल्दी से चलते और कुछ और सेंड्स कलेक्ट करके ला दे यार, उसके लिए मुझे कुछ शॉवल चाहिए होंगे, तो जल्दी से बना लेता हूँ एक दो काफी है। तो जल्दी से चलते और मेरे सामने मुझे बहुत ज्यादा सेंड दिखाई दे रही है, उसी को कलेक्ट करके आ जाते आते यार वापस। तो अभी जल्दी से चलता हूँ और कलेक्ट करता हूँ सेंड यार। तो यार गाइस मैंने बहुत सारी सेंड कलेक्ट कर ली है, शायद इतनी काफ़ी होंगी यार, अगर कम पड़े तो हम फिर से आ जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं यार अपने ट्री हाउस की तरफ। तो यार यहाँ 7 आयरन बन चुके हैं यार, आयरन इंगट्स बन चुके हैं। तो इनसे मैं जल्दी से एक चीज़ यार उसका नाम भूल गया, ये रही यार इसको कहते हैं शेयर्स, इससे हम पत्ते काटेंगे यार। तो जल्दी से दो बना लेता हूँ और जल्दी से लीव्स कलेक्ट करके लाता हूँ यार, क्योंकि बाद में हमें अपने ट्री हाउस को सजाने के लिए लीव्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए जल्दी से जाके लीव्स कट करके ले गया था यार। तो जंगल कहाँ पे है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा जंगल है, इसके लीव्स थोड़े ऊंचे यार, यहाँ पे पहुंचूंगा नहीं। तो सामने एक जंगल है वहां पे चला जाता हूँ और जल्दी से कुछ कुछ नहीं यार, बहुत सारे लीव्स कलेक्ट करके लाता हूँ यार। गाइस मैंने बहुत सारे लीफ जमा करके घर अपने ट्री हाउस तक पहुंच चुका हूँ यार। तो जल्दी से यहाँ पे बनाते एक चेस्ट यार, क्योंकि अपने जो सामान बहुत ज्यादा हो चुकी है और मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है यार, तो इसको रखने के लिए अभी मुझे चाहिए एक चेस्ट यार। तो यार मैंने अपनी सारी चीजें यहाँ पे रख दी है यार, तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं एक स्टेप छोड़ के
लगाने वाला वुड्स यार, तो जल्दी से वुड्स लगाना शुरू कर देता हूँ। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लग रही है यार, इनको काट इनको जल्दी से तोड़ के नीचे अपने फर्स्ट फ्लोर पे रख के आता हूँ यार। तो यार गाइस, फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसी तरह एक और स्टेप लगा देते यार यहाँ पे इसी तरह के वुड्स। तो यार अभी इनके ऊपर शीशे का एक लेयर आएगा यार, ये शीशा मुझे थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा यार, मुझे इन शीशे का कलर चेंज करना यार। उसके लिए मुझे चाहिए वाइट फ्लावर्स यार, देखता हूँ यहाँ से वाइट फ्लावर्स कहाँ दिखते जिनसे हम इनका कलर चेंज करेंगे। तो जल्दी से चलता हूँ और वाइट फ्लावर्स ढूंढता हूँ यार। कुछ सेंड मेरे पास मौजूद थी यार, इनको भी यहाँ पे रख देता हूँ और फ्यूल दे के इनको भी जल्दी से ग्लास में कन्वर्ट करते। तो यार ये रहे यार कुछ वाइट फ्लावर्स, इनको जल्दी से काट देता हूँ यार। तो अभी मैं फ्लावर्स लेके पहुंच चुका हूँ यार, इन फ्लावर्स को कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रहा, तो इन्हें काफी है यार। तो अभी कुछ ग्लासेस को देख लेते कि ग्लासेस बने, यानी यार यहाँ पे कुछ बन चुके इसमें तो बने हुए। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ बने हुए हैं यार। तो जल्दी से इनका कलर चेंज करते और ऊपर वाले स्टेप में हम इनको ऐड कर देते यार। तो जल्दी से इनका कलर चेंज करते, तो हमने कलर चेंज कर लिया यार। तो जल्दी से चलते और इनको ऊपर वाले स्टेप में ऐड कर देते यार। तो अभी देखते हैं यार, चेस्ट में हमें कुछ काम पड़ गया यहाँ से लीव्स निकाल के। अभी लीव्स का थोड़ा काम वैसे बाद में कर लेते यार। अभी ये स्टेप अपना तैयार हो चुका है, इसके ऊपर अभी आएगा एक और स्टेप जो फिर से वुड का होगा, ऐड कर लेते यार। तो यार हम अभी अपने फर्स्ट फ्लोर की छत लगाने वाले यार, तो जल्दी से इसकी छत भी फिल कर लेते। तो अभी नाइट हो चुकी है यार, नीचे चलते और सोते यार। तो यार गाइस अभी फिर से डे हो चुका है यार, जल्दी से यहाँ से कुछ लेडर्स बना लेता हूँ यार, ताकि हमें छत पे जाने में आसानी हो यार। तो जल्दी से बना लेते हैं, 7 बन चुके काफी है यार इनने। अभी जल्दी से चलते ऊपर, नहीं यार उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए यार। अभी हमें कुछ फैंस चाहिए यार, तो बना लेते जल्दी से। इससे हमें मस्त सा डिज़ाइन करने वाले अपने टॉप फ्लोर पे यार सबसे। तो काफ़ी है यार इनमें, अभी चलते ऊपर टॉप फ्लोर पे। जाने के लिए मुझे यहाँ से एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। अभी हमने टॉप पर जाने के लिए भी लैडर्स लग चुके थे, मगर मैं फिर से नीचे पहुंच गया बे। तो जल्दी से इन पे भी वुड वुड्स लगा देते यार, क्योंकि मैं पिछली बार यही से ही गिर चुका था यार, ये गलत सीन हो गया था। तो ये अपना तैयार हो चुका है, अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक मस्त सा रूफ यार, जैसे कि हिंदी मूवीज में होता है ना यार, छत में बैठ के मस्त से चाय पीने के लिए एक जगह बनाते, वैसी ही जगह हम यहाँ पे बनाने वाले। उसके लिए सबसे पहले मुझे ऐड करने पड़ेंगे अभी जो हमने बनाए थे फैंस यार, ओक फैंस, तो इनको जल्दी से ऐड कर देता हूँ यार ऊपर। तो हम अभी इनको 3 स्टेप ऊपर तक लाने वाले हैं यार।
तो यार गाइस मैंने पिलर्स खड़े कर दिए यार, अभी उसके इसके ऊपर अपने टॉप फ्लोर का छत होने वाला यार। तो यार गाइस अभी हम अपने टॉप फ्लोर का छत कंप्लीट करने वाले यार, तो चलिए जल्दी से छत लगाना शुरू कर देते हैं यार। इसके बाद और कुछ डिजाइन्स करने वाले, जिसकी वजह से अपने ट्री हाउस का जो लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा यार। तो जल्दी से मैं पहले इसका टॉप रूफ लगा देता हूँ यार। तो उसके लिए मुझे नीचे का स्ट्रक्चर देख के उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा यार, वरना इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए मुझे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, नीचे वाले उस बेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा यार मुझे ये। वाह, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं जुगाड़ करके पूरे छत पे अपने इस तरह के वुड्स लगा देता हूँ यार। तो यार गाइस मैंने इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो बना दिया यार, अभी बनाने की बारी है इसका जो यहाँ पे कोकला ऐसा दिखना दिख रहा है ना यार, इसको अभी मैं वुडन प्लैंक से भर देता हूँ यार। तो जल्दी से यहाँ पे वुड प्लेस कर देता हूँ यार। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले वुड्स लगा दो, मगर मेरे पास शायद यहाँ पे कम है, तो मुझे फिर से नीचे क्राफ्टिंग टेबल पे जाना पड़ेगा। जल्दी से जाके लेके आता हूँ यार। तो यार मैंने अभी वुडन प्लैंक्स और कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बना लिए यार। अभी मैं यहाँ से लीव्स भी लेके जाता हूँ यार, क्योंकि इसके बाद हमने लीव्स का काम ही होने वाला है। तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं यार, ताकि हमको फिर से वापिस ना आना पड़े। तो जल्दी से चलते हैं यार अभी ऊपर। वैसे यार यहाँ पे वुड वुड प्लैंक्स अच्छे लग नहीं रहे यार। मैं इस पे सोच रहा हूँ कि वुडन ये क्या कहते हैं इसको, स्लेब्स लगा दो यार, वुडन स्लेब्स, ये शायद अच्छे दिखेंगे यार। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे वुडन स्लेब्स ही लगा देता हूँ यार। ये देखे यार ये गलत लग गए, मैं तो मैं जल्दी से वुडन स्लेब्स लगा देता हूँ यार पूरे छत पे। तो गाइस मैंने पूरे छत को वुडन स्लैब से भर दिया यार। तो जल्दी से अभी इनके ऊपर हम लीव्स लगाते हैं यार। मैंने सोचा है कि इनके ऊपर हम सर्कल के शेप में लीव्स लगाएंगे यार। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से एक सेंटर से एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। आपको जैसे इसको गोल करना था आप कर सकते हैं यार, मैं हमने तरीके से कर लेता हूँ इसको सर्कल फॉर्म में। ये क्या लगा दिया, तो यार गाइस मैं इस तरह कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यार गाइस मैंने यहाँ पे लीव्स लगा के अपने छत को सर्कल शेप बना दिया है यार, यानी थोड़ा सा सर्कल शेप में यहाँ पे मैंने लीव्स लगा दिए। तो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं यार। तो यार गाइस अभी देखते हैं यार अपना ट्री हाउस कैसा लग रहा है। ये क्या था, ओ गाइस अपना ट्री हाउस बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया है। अभी थोड़े लीव्स अभी लगाने हैं यार, अभी डेकोरेशन फुल कंप्लीट हुआ नहीं है।
तो अभी मैं दो छोटी सी शाखें बनाने वाला हूँ यार, एक इस साइड से आएगी और एक इस साइड से आएगी यार। तुम्हें जल्दी से बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। तो यार गाइस, मैं यही सेम डिजाइन दूसरे साइड पे भी करने वाला हूँ यार, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ यार। तकरीबन 20 मिनट मैंने इस पे काम किया यार, उसके बाद देख सकते हैं यार अपना ट्री हाउस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताया यार अगला कॉन्टेंट आपको कौन सा चाहिए, आपका भाई बना डालेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार।